थानोखेड़ी का युवक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बना है। 22 वर्षीय दीक्षांत काम्बोज के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। दीक्षांत काम्बोज देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से करीब एक वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यमुनानगर पहुंचे, जहां उनके पिता नौकरी करते हैं। इसके बाद दीक्षांत अपने परिवार सहित अपने गांव धानोखेड़ी पहुंचे, जहां उनके दादा दादी सहित परिवार के अन्य लोगों ने ढोल बजाकर उनका स्वागत किया। दीक्षांत के सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर जहां पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं पूरे गांव को भी उस पर नाज है। दीक्षांत के दादा बलबीर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि दीक्षांत गांव का पहला लड़का है जो सेना में भर्ती हुआ है। दीक्षांत ने सेना में भर्ती होकर पूरे काम्बोज समाज का नाम ऊंचा किया है। दीक्षांत काम्बोज ने बताया कि उनके माता पिता का एक ही सपना था कि उनका बेटा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे। इसलिए माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दिया। पहली बार में रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, परंतु इंटरव्यू में रह गया। परंतु फिर भी हिम्मत नहीं हारी और 6 महीने के बाद अधिक मेहनत व उत्साह के साथ दोबारा एग्जाम दिया, जो दूसरी दफा लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू भी पास हो गया। इसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में 3 साल तक ग्रेजुएशन व ट्रेनिंग की, जो पुणे की ट्रेनिंग के बाद जनवरी 2020 में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करीब एक वर्ष की ट्रेनिंग पूरे करने के बाद अब आसाम में ड्यूटी कर देश सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दीक्षांत के पिता जिले सिंह PWD में JEE के पद पर कार्यरत हैं। उनका कहना है कि जब उनकी ड्यूटी करनाल थी तो उन्होंने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ते देखा। बस तभी से उन्होंने सोचा कि वो भी अपने बेटे को सैनिक स्कूल में पढ़ाएंगे, ताकि उनका बेटा देश की सेवा कर सके। इसलिए दीक्षांत के 8वीं पास करने के बाद उनका एडमिशन सैनिक स्कूल कुंजपुरा में करवा दिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते पर ही दीक्षांत ने लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में गया। ये मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं एक ऑफिसर बनूं, तो उन्होंने मुझे सैनिक स्कूल में दाखिल किया और आज मैं आया हूँ 1 साल बाद घर वापस लेफ्टिनेंट बन के। फिर मेरा वहाँ से सिलेक्शन हुआ NDA में। 3 साल मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग की। फिर जनवरी 2020 में मैं IMA देहरादून गया और 12 दिसंबर 2020 को मैं एज ए लेफ्टिनेंट आर्मी में कमीशन हो गया। और ये एक सबसे बड़ी बात है काम्बोज समाज के लिए, जिनका नाम आज मैंने ऊंचा किया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? आज युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है ज़्यादा, क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगा जो युवा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे और अपने समाज का नाम ऊंचा करे, ताकि उनके माँ बाप और उनके घर वालों सबको गर्व हो उनके ऊपर कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ किया है। तो देश करने का जज्बा आपके अंदर बचपन से ही था क्या? ये मेरे माता पिता की इच्छा थी, तो बस मैंने वो ही पूरा किया है। तो आगे क्या टारगेट है आप? अभी तो मेरा यही टारगेट है कि मैं जाऊँगा जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, तो वहाँ पर जाके अच्छा करूँ और अपना करियर को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा करता रहूँ। तो कहाँ कहाँ आपने टेस्ट दिए इसके लिए? NDA के लिए तो वो UPSC टेस्ट होता है, वो ही क्लियर किया। फर्स्ट टाइम क्लियर किया, फिर इंटरव्यू में रह गया। फिर मैंने दूसरी बार रिटन टेस्ट दिया, उसमें हो गया। फिर मेरा इंटरव्यू कपूरथला आया था, तो मैं वहाँ से क्लियर हो गया और फिर NDA में ज्वाइनिंग की मैंने। तो सेकंड दफ़ा क्लियर हुए आप? सेकंड दफ़ा। तो देश करने का जज्बा आपके अंदर है? जी जी। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो नशे की तरफ ना जाकर अपना अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, और उनके अंदर जज्बा होना चाहिए कि वो अपने देश की सेवा करना चाहिए, चाहे वो पुलिस में जाएं, आर्मी में जाएं या कुछ और भी करें, बट अपने देश के लिए करें। ये मेरा बेटा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो इसको 9th में मैंने सैनिक स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट दिलवाया, इसका एडमिशन हो गया वहाँ पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा। 9th से लेके +2 तक कुंजपुरा सैनिक स्कूल में पढ़ता रहा। वहीं से इसने NDA का UPSC का एग्ज़ाम होता है, बड़ा हार्ड एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर कर लिया। उसके बाद NDA में एंट्री होगी है,
तीन साल एनडीए में इनकी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग दोनों चलती रही। उसके बाद एनडीए क्लियर करने के बाद एक साल आईएमए देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, वहाँ से कल 12 दिसंबर को इसकी पासिंग आउट परेड हो करके एज लेफ्टिनेंट गजटेड ऑफिसर क्लास वन कमीशन्ड हो गया। बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, सारे परिवार के, सारे गांव के, सारे समाज के लिए। तो आप लोगों के कहीं ना कहीं दिल में थी कि भी सैनिक स्कूल में डालना बच्चे? बिल्कुल थी। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली भाई बच्चे? बस वैसे ही हम लोग देखते थे ना, जब बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते थे तो मैं भी ये देखते थे हम भाई बच्चे यहाँ से निकलने के बाद अच्छी लाइन में चले जाते हैं, चाहे इवन कि डिफेंस में ना जाएं, सेना में ना हो करके दूसरे फील्ड में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे बच्चे जाते हैं। वहाँ से जजेस भी हैं वहाँ पे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे एक्स सीएम थे, ये भी सैनिक स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं कुंजपुरा के, प्लस बहुत बड़े बड़े गजटेड ऑफिसर्स इसी स्कूल से पास आउट हुए। नाइन्थ से पहले की शिक्षा कहाँ ग्रहण? नाइन्थ से पहले सिक्स टू एट्थ संत निश्चल सिंह यमुनानगर, मैं यमुनानगर में जी हूँ, पीडब्ल्यूडी भंडार में, वहीं पे पोस्टेड हूँ, तो वहीं पे हमारे साथ ही संत निश्चल सिंह तक के। कहाँ? फिफ्थ तक की भी सैनिक स्कूल में, एक छोटा स्कूल था, हम उस टाइम करनाल में रहते थे, तो वहाँ पे वो तो मतलब मान्य नहीं था, वैसे अप्रूव्ड था सैनिक स्कूल कुंजपुरा से, छोटा स्कूल प्राइमरी उसमें पढ़ाया था फर्स्ट टू फिफ्थ। तो जब ये नाइन्थ से ट्वेल्थ तक सैनिक स्कूल कुंजपुरा में रहे तो आपकी ड्यूटी कहाँ रही फिर उस दौरान? नाइन्थ से ट्वेल्थ तक तो ये तो वहाँ तो हॉस्टल होता है ना। ठीक है, नहीं आपकी ड्यूटी? मेरी तो यमुनानगर ही थी, मैं यमुनानगर पोस्टेड था उस टाइम। ठीक, ये हॉस्टल में रहा वहाँ पे, बोर्डिंग स्कूल है वो, इवन कि कुंजपुरा का बच्चा भी अगर होगा सैनिक स्कूल के बाउंड्री के बाहर का, वो भी अंदर ही रहेगा। ठीक, कैंपस में ही, ये तो मस्ट है, मतलब कंपलसरी है वहाँ। तो क्या कहेंगे आज? आज तो मैं यही कहूँगा भाई, जितने भी बच्चे हैं सारे प्रेरणा लें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, नशों की तरफ ना भागें, बुराइयों की तरफ ना भागें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज का करें, अपने देश का करें, अपने प्रदेश का करें, सभी बच्चे कामयाब हों, ऐसी मेरी आशा है सभी बच्चों से। शुभ नाम? जिले सिंह। मैं देव सिंह, गाँव धानोखड़ी। मैं बधाई देता हूँ अपने पोते को, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, और मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अलग अलग फील्डों में जाएं, और नशे आदि से या और कुरीतियों से इनको छोड़ के वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अलग अलग विभागों में जाएं। बताएं, आज आपका बच्चा लेफ्टिनेंट कर्नल बन के आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, हर माँ को अपने बेटों को देश की सेवा के लिए आगे आने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है ये। और जी, जितना मेरे बच्चे ने जितनी चार साल मेहनत की है, उसका फल सिर्फ इसी को नहीं, हम सबको मिला है, इतना हमें गर्व महसूस हो रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है ना कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.